14 अप्रैल से ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर। मेष राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य देव। सूर्य राहु की युति बनाएगी ग्रहण योग। क्या किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है? क्या देश दुनिया पर लगेगा ग्रहण? किन देशों में मचेगी उथल पुथल? कहां कहां होगा सत्ता परिवर्तन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इस 14 अप्रैल से ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य मीन से निकल के मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां वो उच्च के हो जाएंगे और दूसरी तरफ मेष यानी कि मंगल उनके मित्र हैं। मित्र के घर में सूर्य जा तो रहे हैं लेकिन वहां पहले से बैठा राहु उनके साथ मिलकर ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है। और मेष का राहु और सूर्य की युति किस प्रकार ये जो ग्रहण दोष का निर्माण कर रही है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और हमारे देश के लिए किस तरह से नकारात्मकता ला सकते हैं, किस तरह से अशुभ परिणाम दे सकते हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अप्रैल का ये माह जिसमें 9 के 9 ग्रहों का बदलना सबसे बड़ी बात है, मेष का राहु ज्योतिष शास्त्र में अब तक की जितनी भविष्यवाणियां सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि मेष का राहु कुछ अनहोनी संकेत दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सूर्य के साथ मेष के राहु का जो ग्रहण योग का जो निर्माण हो रहा है, इसका किस तरह का परिणाम देखने को हमें अब मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए समझने वाली बात क्या है कि अप्रैल मास में 9 के 9 ग्रह बदलेंगे, जैसे आपने भी बताया, तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये बहुत वर्षों के बाद हो रहा है, एक सदी के बाद हो रहा है जी। इस तरह की चीजें कभी मतलब पहले हुई नहीं। मेष में राहु का आना ये काफी बार नहीं, ये तो एक कह सकते हैं कि परिवर्तन होता रहता है। ये तो मतलब कि जैसे राहु एक राशि में 18 महीने रहता है 1.5 साल के बाद जी। और जब वापस चक्र करके आता है तो ये कोई बड़ी घटनाक्रम नहीं है कि राहु का मेष राशि में आना, लेकिन एक मास में 9 के 9 ग्रहों का बदलना। अब देखिए आमतौर पर हर महीने सूर्य भी राशि परिवर्तन करता है जी। बुध भी शुक्र भी करते हैं और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन बाद कर लेता है, लेकिन मंगल 45 दिन में करता है यानी कि हर दूसरे महीने में, और शनि राहु केतु और बृहस्पति ये लंबे समय तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं जी। शनि एक राशि में 2.5 साल और राहु और केतु 18-18 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं एक राशि में, ये बात समझिए। लेकिन ये अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना है कि वो सब इसी समय राशि परिवर्तन करेंगे, तो जब इतने बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे एक महीने में तो उथल पुथल तो मचनी निश्चित है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद और ये बताने का मकसद हमारा आपको ये है कि इस तरह की चीजें बढ़ सकती हैं, सतर्क रहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में आप जाने अनजाने में किसी तरह की परेशानी का या किसी बीमारी का सामना करना पड़े, या आपकी राशि के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है या आप देश दुनिया पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम जानकारी देंगे। कि ये देखिए जब नकारात्मक योग बनता है कविता जी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नकारात्मक घटनाएं विश्व में घट सकती हैं और ये बताना भी बहुत जरूरी है कि क्या घट सकती हैं। जरूरी नहीं कि वो 100% ही हो, उनमें से आशंका रहती है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, थोड़ा सावधानियां बरतिए, तो ये हमारा मकसद है, ये हमारा मोटो है। मैं जी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, इस दौरान क्या किसी बड़ी महामारी की आहट देखने को मिल सकती है, महामारी का दौर दोबारा से देखने को मिल सकता है? देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में जो एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया था कि मेष राशि में राहु का गोचर और राहु के गोचर के बारे में हमने कहा था कि राहु जो एक रहस्यमय ग्रह है और केतु भी, ये ग्रह जब जब राशि परिवर्तन करते हैं, अगर शत्रु राशि में जाएंगे, नीच राशि में जाएंगे या अपनी उच्च राशि में जाएंगे तो उसके अनुसार परिणाम देते हैं। और जब जब राहु केतु का गोचर होता है तो कोई ना कोई बड़ा घटनाक्रम निश्चित रूप से होता है, हमने देखा है। और सूर्य जो उच्च के हो जाएंगे समय मेष राशि में रह के और राहु वहां पर देखें तो ये उनकी शुभ राशि नहीं मानी जाती है, यानी कि मंगल के घर में राहु का जाना अंगारक दोष का निर्माण कहलाता है। और सूर्य राहु की युति हमने पहले कहा था कि 12 अप्रैल के बाद से देश दुनिया में पुरानी बीमारी फिर से आके दोबारा
रिटर्न कर सकती है, कोई नया वेरिएंट आ सकता है या परेशानी बढ़ सकती है। ये हमने जब वीडियो बनाया था राहु के ऊपर उसमें पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। हमारे दर्शकों ने ये वीडियो देखा भी है और आप दोबारा भी देख सकते हैं, उसमें बात पहले ही बोल दी गई थी। तो देखिए, इस सूर्य राहु की युति के कारण कहीं ना कहीं कोरोना का जो है नया वेरिएंट या नया रूप या कोरोना के केसेस जो है आने वाले टाइम में आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं जी। और क्योंकि ये 18 महीने का गोचर है, लेकिन जब जब इसका युति राहु की युति सूर्य के साथ होगी, राहु की युति मंगल के साथ होगी, तो ये बड़े ही खतरनाक साबित होगी। तो या अगर हम कहें कि ये किसी अशुभ ग्रह के दृष्टि में भी राहु आएगा, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे केतु हो, तो परेशानियां बढ़ेंगी बढ़ेंगी। राजनीति स्तर पर किस तरह की उथल पुथल देखने को मिल सकती है? देखिए, सूर्य जो कि राजनीति का कारक है, राजसत्ता का कारक है, अब राहु उस पर ग्रहण लगाएगा। सूर्य देखिए बहुत बेहतर करने की स्थिति में रहेगा, राहु टांग अड़ाएगा। इसका मतलब ये कुछ अच्छे कार्य होते होते रुक सकते हैं। किसी बड़े राजनेता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बड़ी आ सकती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये पूरे विश्व स्तर की बात कर रहे हैं हम, और विश्व के कुछ देशों में बड़ी गहमा गहमी रहेगी, नेताओं में, विपक्ष में देख वाद विवाद की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, क्योंकि सूर्य और राहु का एक तरीके से ग्रहण दोष बनेगा और ये अंगारक दोष भी बन रहा है क्योंकि मेष का राहु है। तो कहीं ना कहीं व्यर्थ के बयानबाजी, गलत चीजें, दुर्घटनाएं होना, चक्रवात चलना या भूकंप इत्यादि का आना भी हो सकता है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भूकंप आ सकता है और राहु के इसके गोचर के कारण या उस ग्रह स्थिति के कारण। तो उसमें अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले किसी एक राज्य में भी भूकंप की न्यूज़ आई थी कि वहाँ आया। तो इस तरह के हालात बनते हैं। और आप देखिए, राहु मेष का है और अभी राहु ने राशि परिवर्तन भी नहीं किया है। देखिए, ये ऐसे ग्रह हैं, इस समय राहु 0 डिग्री पे स्थिति में चल रहा है, यानी कि राहु का परिवर्तन भले ही ना हुआ हो, लेकिन राहु ने अपनी दृष्टि मेष राशि को देनी शुरू कर दी है। तो इसलिए उस तरह के परिणाम आ रहे हैं, गर्मी प्रचंड हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है इस बार, अभी ज्यादा से, ये भी एक कारण है। जलवायु परिवर्तन बिल्कुल। और आप देखेंगे सूर्य राहु की युति के कारण तो ये कहना चाहिए अग्नि और बढ़ेगी, अग्निकांड या कोई रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना होने की भी आशंका रहेगी। बॉर्डर पे भी थोड़ा इस समय सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, किसी षड्यंत्र या कोई बड़ा खुलासा भी इस समय देश में हो सकता है। थोड़ा सा सावधानी से चलने का ये समय रहेगा सूर्य राहु की युति के कारण, और सभी लोगों को इस समय सावधानी भी बरतनी चाहिए, मास्क वगैरह का पूरा इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, कोई ऐसा ना हो कि कोई नया वेरिएंट आ जाए और फिर परेशानियां पहले की तरह ना पड़ जाए। तो सावधानी यहां रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु मेष का जो है ये बड़ा एक कहना चाहिए संकट का कारक बन सकता है आने वाले समय में। मैं जी, इस दौरान क्या सत्ता परिवर्तन के भी आसार हैं? देखिए, ये क्योंकि राहु और सूर्य की युति 1 महीने के लिए है जी, तो इस 1 महीने में तो कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये है कि हाँ, कुछ चीजें अच्छी होती होती चीजें रुक जाएंगी, कुछ बड़ी समस्याएं, कुछ बड़े अवरोध जरूर रहेंगे और थोड़ा जनता को इस समय परेशानी का सामना करना तो पड़ेगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन अब आप देखिए, बात आती है लंबे समय के लिए। देखिए, राहु 18 महीने के लिए एक राशि में रहेंगे, मेष का राहु 18 महीने रहेगा। तो आप देखिए, आने वाले खासकर 15 महीनों में जिस जिस जगह चुनाव है वहाँ अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस राहु के गोचर के कारण, क्योंकि राहु मेष की राशि में बैठा है और कुछ ना कुछ परिवर्तन ये जरूर करा देता है। यानी कि चौंकाने वाले चुनावी नतीजे देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कहना है मेघ शर्मा जी का। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मेघ शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।